इधर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। नाउ आई वेलकम यू टू वीडियो नंबर 34। और इस वीडियो में देखो हम क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन पार्ट। ओके, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का अपन यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और इस सीरीज में हम टोटल तीन तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 33 वीडियो नंबर रहेगा, 34 एंड 35। ओके, वीडियो नंबर 33 से लेके 35 जो वीडियो जो रहेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की इस प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको क्या मिलेगा, तीनों क्वेश्चन मिलेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशन वाले पार्ट का। एंड बिलीव मी, वो तीनों क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ को आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दी जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो आप शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको आप आखिर तक देखना, आपको बहुत कुछ चीज़ सीखने के लिए मिलेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर टू देखो क्या बोला है यहाँ पे, सॉल्व t y double dash plus 2 y dash plus t into y equals to cos t, given that y at t equal to 0 equals to कितना है 1, मतलब y की वैल्यू क्या है 1 है when t equal to 0, ये अपने कोई कंडीशन दिया हुआ है। ओके, ठीक है, तो अपन यहाँ वहाँ का बात ना करते डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड्स। ओके, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, बोथ द साइड्स में हम क्या देंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t into y double dash plus twice लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इन टू वाई इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी। ओके, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, टी इन टू वाई डबल डैश है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्म लगेगा। ओके, मल्टीप्लीकेशन वाला प्रॉपर्टी जो है आपने देखा होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या था, देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले, यस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज में हमने देखा था मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। ओके, और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ बार ऑफ एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन इन टू एफ ऑफ टी इक्वल्स टू -1 पावर एन एंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ बार ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एस। फाइन, अच्छा यहाँ पे जो है हमको जो एन का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज टी की पावर एन, यहाँ पे क्या लिखा है, टी की पावर एन लिखा हुआ है, बट यहाँ पे एन की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है अपने, यहाँ पे 1 दिख रही है। ओके, तो अगर ये 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, -1 पावर 1 दैट इज माइनस ऑफ दिस पार्ट। ओके, यस, यहाँ पे हम लोग जो है वही वाला काम अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इन टू वाई डबल डैश कैन बी रिटन एज व्हाट, माइनस ऑफ डी अपॉन डी एस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डबल डैश। फाइन, ओके, यहाँ पे अपन ऐसे कुछ चेंजेस नहीं करने वाले बिकॉज ये जो है 2 इन टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश, यहाँ पे देखो अगेन टी इन टू वाई है। ओके, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मुझे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इन टू वाई, तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 दिख रही है आपको यहाँ पे, है ना, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा फिर, माइनस ऑफ डी अपॉन डी एस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देख लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी। ओके, इसका भी अपने पास फॉर्मुला है, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी की वैल्यू क्या होती है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन में जो है आपको ए की वैल्यू क्या दी हुई, 1 दी हुई है, तो दिस विल बिकम एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हो गया यहाँ तक का, यस, आगे बढ़ते अब, यस, अब यहाँ पे जो है वाई डबल डैश, वाई डबल डैश मतलब क्या, यहाँ पे डेरिवेटिव वाले फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, तो डेरिवेटिव का भी अपन को प्रॉपर्टी पता होना चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में नंबर 5th वाले में देखेंगे तो 5th वाले प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ डेरिवेटिव। इसमें क्या होता है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ बार ऑफ एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एच डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एस टू द पावर एन इन टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस टू पावर एन माइनस 1 इन टू एफ ऑफ 0 माइनस एस टू पावर एन माइनस 2 इन टू एफ डैश 0 एंड सो ऑन। ओके, इस टाइप से जो अपन आगे बढ़ेंगे मतलब एस का जो है पावर देखो घटते रहेगा। ओके, यस, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे वाई डबल डैश दिया हुआ, इट मीन्स जो एन की वैल्यू है यहाँ पे क्या है, 2 है, ये अपना क्या सेकेंड डेरिवेटिव है, तो दिस इज गोइंग टू बी एस टू द पावर 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई माइनस एस, देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक पावर कम हो रहा है कि नहीं, यस, माइनस एस वाई 0 माइनस वाई डैश 0। ओके, ठीक है, अब इसको अपन जो है यहाँ पे क्लोज कर लिए, तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये किसके लिए है, पहले वाले टर्म के लिए। वैसे अपन सेकेंड वाले टर्म में आते हैं, ट्वाइस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई डैश, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव दिया हुआ है इसका पावर मतलब एन में मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, यस दैट इज 1, तो यहाँ पे अपना क्या होगा, 2 इंटू एस इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई माइनस वाई ऑफ 0। ओके, वाई 0, वैसे अपन इस वाले फॉर्म में आते हैं तो यहाँ पे क्या, माइनस डी अपॉन डी एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई, इसको अपन एज इट इज यहाँ लिख लिए, इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस
वन स्क्वायर दैट इज वन। ओके वैसे अपन फिर से आगे बढ़ते हैं। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, डी अपॉन डी एस मतलब क्या है, मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ओके मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो नेगेटिव साइन को एज इट इज रख लिए। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग हर एक टर्म को, लेकिन अगर देखोगे ना फर्स्ट टर्म को, तो फर्स्ट टर्म देखो अपना क्या है यहाँ पे ऐसे, और ये लाप्लास ऑफ वाई अपना क्या था, एफ बार ऑफ एस होता है, मतलब ये भी अपना क्या है फंक्शन ऑफ एस है। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अप्लाई होगा डेरिवेटिव वाला, ठीक है। तो इसको एज इट इज रख के इसको अपन डिफरेंशिएट किए तो डी अपॉन डी एस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई, वैसे इसको कॉन्स्टेंट रखते हुए इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो दिस विल बिकम टू एस। हो गया यहाँ पे। ओके अब यहाँ पे वाई ऑफ जीरो, वाई ऑफ जीरो क्या है, कोई वैल्यू होगी। ओके वाई ऑफ जीरो मतलब देखो यहाँ पे वैल्यू आपको क्वेश्चन में जो है दी हुई है, दैट इज हाउ मच वन। तो वाई ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे वन हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं माइनस एस का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस विल बिकम माइनस वन। हो गया तो यहाँ पे वाई ऑफ जीरो के वैल्यू यहाँ पे मतलब वन है, और एस का जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एस विल बिकम वन, और नेगेटिव साइन को अपन एज इट इज यहाँ लिख दिया। ओके और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है माइनस वाई डैश जीरो। अब ये अपनी क्या होगी, अगेन एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, जिस टाइप से इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है वैसे इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी, है ना। तो इसको अपन जब कॉन्स्टेंट वैल्यू को अपन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये अपना क्या होगा, अगेन जीरो हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस जीरो लिख दिए। फाइन ना कमिंग टू सेकेंड, ओके इस वाले में आते हैं सॉरी। तो यहाँ पे टू को एज इट इज रख दिए। ओके दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ओके क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, तो इसको एज इट इज रखते दैट इज टू एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई। और वैसे यहाँ पे अगर आएंगे तो वाई ऑफ जीरो अपने क्वेश्चन में क्या दिया, देखो यहाँ पे वन दिया हुआ है ना, इसके वैल्यू यहाँ पे क्या दिया अपने, वहाँ पे वन दिया हुआ है, तो इसको अपन यहाँ पे लिख लेंगे एज इट इज। यस सो दिस इज वन माइनस वन, तो टू इंटू माइनस वन विल बिकम माइनस टू। फाइन नाउ कमिंग टू दिस लास्ट दैट इज एज इट इज, इसको अपन लिखेंगे दैट इज माइनस डी अपॉन डी एस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई, लिख दिए एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। फाइन तो यहाँ तक का जो है आपको हर एक स्टेप जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। फाइन आगे बढ़ते हैं अब। यस अब यहाँ पर देखो अब हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को अपन ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ दिस दैट इज माइनस एस स्क्वायर डी अपॉन डी एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई। ओके यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे टू एस लिखा था, टू एस विथ नेगेटिव साइन लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई प्लस, यहाँ पे देखो माइनस माइनस अपना क्या प्लस हो जाएगा, प्लस वन हो गया यहाँ पे। ना कमिंग टू दिस टर्म, ये एज इट इज आएगा, माइनस टू का एज इट इज लिख लिए एंड माइनस डी अपॉन डी एस इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई को एज इट इज लिख दिए एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। ओके जो इसको है अपन यहाँ पे फाइनली लिख दिए। फाइन आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब अगर देखोगे डी अपॉन डी एस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई, ओके तो इसको कोफिशिएंट में यहाँ पे देखो अपना क्या है माइनस एस स्क्वायर, तो इसको यहाँ लिख दिया, और यहाँ भी देखो अपने पास दिखा है डी अपॉन डी एस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई, जिसको कोफिशिएंट अपना क्या है माइनस वन है, तो माइनस वन यहाँ लिख दिया। फाइन ओके अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अपना क्या है माइनस टू एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई, यहाँ पे प्लस टू एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई, तो इसको जो है अपन आपस में कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, यस इजिली कैंसिल हो सकता है। अब फाइनली देखो हमारे पास क्या बचा हुआ है, प्लस वन और माइनस टू, जिसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। ओके क्योंकि यहाँ भी वही चीज था। फाइन यस आगे बढ़ते हैं, टेकिंग नेगेटिव कॉमन दिस विल बिकम माइनस ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन। ओके इसको ब्रैकेट में रख दिए, डी अपॉन डी एस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई, टेकिंग दिस माइनस वन टू द राइट हैंड साइड दिस विल बिकम वन प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। हो गया जी यहाँ तक का, यस अब ये जो है एस स्क्वायर प्लस वन, इसको हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, और ये क्या होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। फाइन ओके अब हम क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे ऑन बोथ द साइड्स। ओके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ द साइड्स, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसको देखो हम कैसे लिखेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई माइनस ऑफ डी अपॉन डी एस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ बार ऑफ एस लिख सकता हूँ, आप चाहो तो इस वाले फॉर्म में भी लिख सकते हो, नो चेंज, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इस वाले फॉर्म में लिखिए तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके ठीक है, दिस इक्वल्स टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। हो गया यहाँ तक का, यस आगे बढ़ते हैं। ओके अब यहाँ पे अपने क्या है डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है ना, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी में देखो नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डी अपॉन डी एस ऑफ एफ बार ऑफ एस इक्वल्स टू माइनस टी इनटू एफ ऑफ टी, ये अपने क्या है डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है ना। तो इसको अपन यहाँ पे रखेंगे तो अपने क्या होगा, दिस विल बिकम टी इनटू व्हाट वाई, ओके टी इन टू वाई एंड दिस इक्वल्स टू, अपने पास इसका ही फॉर्मूला है दैट इज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। ओके वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बात देख लेते, इसको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन,
यहाँ पे आते हैं, यस इस वाले फॉर्म में आते हैं, दैट इज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन अपन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है अपना, वन अपन में ए इंटू साइन ए टी। अगर इसको अपन इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे अपना क्या है, इस वन का स्क्वायर मतलब वन होता है, तो कार्य से हम बोलेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वन है। तो फॉर्मूला क्या अपना हो जाएगा, वन अपन में वन इंटू साइन टी, दैट इज साइन टी। ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वन अपन वन साइन टी लिख सकते हैं इसको। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, तो इसको जो है हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे। ओके, इसको जो है हम अलग सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कॉम्बुलेशन थ्योरम, अपन इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि कॉम्बुलेशन से बहुत जल्दी और इजली मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना क्या, टी इन टू वाई है, तो उसको अपन एज इट इज यहाँ पे छाप दिए हैं, है ना। ओके, तो वन अपन वन इंटू साइन टी विल बिकम साइन टी प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको अपन एज इट इज लिख लिए, एंड लेट्स सपोज दिस माई इक्वेशन नंबर वन, बिकॉज मुझे इसको सेपरेटली सॉल्व करना है, और सेपरेटली सॉल्व करने के बाद जो उनको आंसर मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पुट अप करेंगे, और फिर इस टी को अपन जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, वाई मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ टी, और वही जो है मुझे यहाँ पे करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं कॉम्बुलेशन थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यस, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर का मैं क्या लिख सकता हूँ, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन इंटू वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। ओके, यस ठीक है। तो वीडियो नंबर 31 और 32 में हमने कॉम्बिनेशन थ्योरम को देखा हुआ अच्छे से डिटेल में, हमने वहाँ पे दो क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, उसके उसके थ्योरम को भी वहाँ पे अपने देखा था। ओके, तो उस हिसाब से ये अपना क्या था बताओ, एफ बार ऑफ एस, और ये अपना क्या था, जी बार ऑफ एस। आप चाहो तो आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसको हमेशा आपको एफ बार ऑफ एस लेना है और इसको हमेशा आपको जी बार ऑफ एस लेना है, आप चाहो तो इंटरचेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में आते हैं, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ बार ऑफ एस। ओके, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड्स। ओके, तो ये अपना क्या होगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ बार ऑफ एस इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। ओके, तो यहाँ पे अगेन अपन फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। यस, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने इस वाले फॉर्मूला देखा था, दैट इज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस ए टी। अब यहाँ पे जो है ए की वैल्यू बताओ, यहाँ पे क्या है आपकी, यस दैट इज वन, तो दिस इज गोइंग टू बी कॉस वन टी, दैट इज कॉस टी। ओके, और ये इसको हम क्या मानेंगे, एफ ऑफ टी मान लेंगे। वैसे नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, दैट इज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी बार ऑफ एस। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, ट्रांसफॉर्म लेंगे ऑन बोथ द साइड्स। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। ओके, अब इसी को थोड़ी देर पहले आपने देखा था। ओके, फिर भी अपन फॉर्मूला को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे इक्वल यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, वन है कि नहीं, तो वन अपन वन इंटू साइन टी। ओके, तो यहाँ पे वही है, वन अपन वन साइन टी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन टी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू जी ऑफ टी। तो हमारे पास एफ ऑफ टी भी और जी ऑफ टी भी है ना, तो हम क्या करेंगे, अब दैट कॉम्बिनेशन थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो कॉम्बिनेशन थ्योरम होता है क्या, इसको भी अपन एक बार देख लेते हैं। यस, इफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ बार ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी बार ऑफ एस इक्वल टू जी ऑफ टी, देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। ओके, तो एफ ऑफ टी अपने पास जो भी होगा उसमें टी जगह हम क्या पुट करेंगे, यू पुट करेंगे, और जी ऑफ टी में हमको जो भी टी के जगह पे क्या पुट करना है, मुझे यहाँ पे टी माइनस यू पुट करना है। फिर जो भी यहाँ फंक्शन रहेगा उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू, जिसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, जीरो से लेके टी तक कराएगा। तो चलो कॉम्बिनेशन थ्योरम को अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो यूजिंग कॉम्बिनेशन थ्योरम, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन इंटू वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, यहाँ रिटन एस जीरो टू इंटीग्रेशन जीरो टू टी। यहाँ पे अपने क्या लिखा था, कॉस टी लिखा हुआ है, दैट इज एफ ऑफ टी, तो यहाँ पे अपना क्या होगा, एफ ऑफ यू हो जाएगा, दैट इज कॉस यू हो जाएगा, इंटू जी ऑफ टी माइनस यू, दैट इज साइन ऑफ टी माइनस यू डी यू। हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉस और यहाँ पे दिख रहा है साइन, तो यहाँ पे अपन टू मल्टीप्लीकेशन करेंगे और टू का डिवीजन करेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे इस वाले फॉर्मूले को जो है यहाँ पे अप्लाई करना, दैट इज टू कॉस ए साइन बी। ओके, और फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, है ना, काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है, आई होप आपको ये जो है अच्छे से याद होगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पे टू का मल्टीप्लीकेशन और टू का डिवीजन यहाँ पे कर लिए, ओके कैंसिल कर लो, यू विल गेट सेम। ओके ठीक है, तो टू कॉस यू इंटू साइन टी माइनस यू डी यू, तो यू अपना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और टी माइनस यू अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सो फॉर्मूला अपना क्या है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ओके, इसको पुट अप करना है, तो हाफ इंटीग्रेशन जीरो टू टी, बड़े वाले ब्रैकेट को ओपन कर लो यहाँ पे। ओके, बिकॉज यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होने वाले हैं ना, तो साइन ऑफ ए प्लस बी टी, सो यू प्लस टी माइनस यू, तो यहाँ पे यू यू कैंसिल, दिख रहा होगा आपको, यस। फिर माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ए मतलब यू माइनस ऑफ टी माइनस यू, तो टी प्लस माइनस टी प्लस यू हो जाएगा अपने यहाँ पे, हो गया।
ओके तो यहाँ पे बड़े वाले ब्रैकेट को उसको क्लोज कर लो, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, फिर फाइनली डीयू लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे हाफ इंटीग्रेशन 0 to t, दिस विल बिकम साइन टी माइनस साइन ऑफ, यहाँ पे अपना क्या होगा, 2u - t हो जाएगा, 2u - t। फाइनली यहाँ पे इसको क्लोज करके डीयू लिखेंगे। अब मुझे करना क्या है, इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू यू, है ना। आपको दिखता होगा यहाँ पे डीयू लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको यू के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सिंस यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले टर्म में आपको यू नहीं दिख रहा है, तो साइन टी को हम क्या कंसिडर यहाँ पे करेंगे, कॉन्स्टेंट कंसिडर करेंगे। तो हाफ बड़े वाले ब्रैकेट को ओपन कर लो, साइन टी यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओके मतलब साइन, ओके यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी हो जाएगा, है ना। तो ये अपना क्या होगा, यू जिसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक का रहेगा। वैसे अपन यहाँ पे आते हैं माइनस ऑफ साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस और ये माइनस अपना क्या प्लस हो जाएगा, ओके। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस अपना क्या प्लस हो जाएगा, कॉस ऑफ 2u - t अपॉन में जो यू का कोफिशियंट है उसको अपन नीचे यहाँ लिख लेंगे, ओके। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, अगेन 0 to t तक का रहेगा, ओके। यस अब हाफ लिख लिए, साइन टी लिख लिए, यहाँ पे अपर लिमिट पुट किए, लोअर लिमिट पुट किए, तो t - 0 यहाँ पे हो गया। अब ये वाला पार्ट में आते हैं, प्लस यहाँ लिख दिए, ये जो हाफ है इसको अपन बाहर लिख दिए, अपर लिमिट यहाँ पुट करो, तो कॉस ऑफ 2t - t दैट इज कॉस टी, अपर लिमिट पॉजिटिव तो लोअर लिमिट नेगेटिव, लोअर लिमिट यहाँ 0 पुट करो, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस ऑफ -t, और हमें पता है कि कॉस ऑफ -θ क्या होता है, कॉस थीटा होता है, सो कॉस ऑफ -t विल बिकम कॉस टी, तो यहाँ कॉस टी माइनस कॉस टी आपस में क्या कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या बोला मैं, यस। सो दिस इज टी इंटू साइन टी अपॉन में 2, ओके। ये जो हमको क्या मिला, फाइनली मिल चुका है, दैट इज ओके, दैट इज ये जो है ओके, इसका जो है हमको क्या मिला, बता, वैल्यू टी इंटू साइन टी। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 था वो क्या था, अपने पास ये वाला इक्वेशन था, दैट इज टी इंटू साइन टी प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन में s² + 1 का होल स्क्वायर, और इसी की वैल्यू क्या निकली अभी अपने पास, टी इंटू साइन टी अपॉन 2 निकला हुआ है, तो उसको अपन यहाँ पुटअप कर देंगे, है ना, उसको अपन यहाँ पुटअप कर दिए, यस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी को अपन जो है यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, बट बिफोर शिफ्टिंग हम यहाँ पे देखो क्या करने वाला, साइन टी को अपन कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ अपने पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ बताओ अपने पास क्या बचेगा, टी अपॉन में 2 बचेगा, यस। तो 1 + t / 2 × sin t, और ये टी को अपन यहाँ पे शिफ्ट किए टू द राइट हैंड साइड, सो ये अपना क्या होगा, नीचे आ जाएगा, और यही अपना क्या होगा, बताओ फाइनल आंसर होगा, ओके, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ओके। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो प्लीज़ इस वीडियो का आप आखिरी बार मत देखिए, 2-3 बार कम से कम देखिए, और इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, तब जाके जो है आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।